सो वी आर कंटिन्यू द सेम टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, सो पॉलिनोमियल को दो तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ओके, एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. सो फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड वन इज बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. मोनोमियल हैज वन टर्म ओनली. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए पॉलिनोमियल. एज यू कैन सी दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग, लेट्स काउंट, वन, टू, थ्री, फोर. इट इज हैविंग फोर टर्म्स. एंड वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मोनोमियल? इट हैज ओनली वन टर्म. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक आउट ओनली वन टर्म फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल. सो विद द हेल्प ऑफ सीजर आई एम गोइंग टू टेक आउट वन टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो आई हैव टेकन ओनली वन टर्म. एज यू कैन सी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, दिस इज द वन टर्म. ओके, तो मोनोमियल इज हैविंग ओनली वन टर्म. नाउ सेकेंड इज बायोनोमियल. एज यू कैन सी नाउ बायोनोमियल हैज टू टर्म्स ओनली. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू टेक अगेन दिस पॉलिनोमियल, इट हैज थ्री टर्म्स. ओके, वन, देन टू, देन थ्री. ओके, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बायनोमियल? इट नीड्स ओनली टू टर्म्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई. इट हैज टू टर्म्स, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, सो दिस इज ए बायनोमियल. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, थ्री एक्स प्लस टू, दिस इज ऑल्सो हैविंग टू टर्म्स, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, सो दिस इज ऑल्सो ए बायनोमियल. ओके, सो वी हैव दीज टर्म्स ऑल्सो. सो अमंग दीज टर्म वी आर गोइंग टू टेक आउट टू टर्म्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू कट वन एक्स्ट्रा टर्म. नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू टर्म्स ओनली, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. ओके, सो इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल हैज थ्री टर्म्स ओनली. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो यू कैन सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल, इट हैज वन, टू, थ्री. ओके, ऑल आर हैविंग वन, वन पॉजिटिव पावर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. सेकेंड एग्जाम्पल, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव. एज यू कैन सी दिस इज हैविंग प्लस पावर, दिस इज हैविंग प्लस पावर एंड दिस इज हैविंग जीरो पावर. ऑल आर पॉजिटिव पावर, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ टर्म थ्री. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्राइनोमियल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ. ओके, सो डिग्री के क्लासिफिकेशन में तो पहला नंबर जिसका आता है वो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल.
ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव ओनली कांस्टेंट टर्म्स, ओके, ऑल द रियल नंबर्स इट हैज वन, एज यू कैन सी वन, टू, थ्री, दे ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके, तो पॉलिनोमियल विच इज हैविंग डिग्री जीरो, तो इधर तो एक्स नज़र ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, लेट्स टेक ओनली टू, ओके, तो एक्स तो नज़र ही नहीं आ रहा, अब डिग्री कहाँ से आ गई, डिग्री तो वेरिएबल में होती है, तो हमारा एक्स तो होता है, वी डू हैव एक्स, वी हैव एक्स, बट डिग्री मस्ट बी, डिग्री मीन्स पावर जो इसके ऊपर लगाई जाती है, दैट इज नॉट डिग्री, ओके, बट एक्स टू द पावर ज़ीरो, ओके, दैट इज एक्स टू द पावर ज़ीरो मीन्स वन, किसी की भी पावर ज़ीरो का मतलब वन होती है, दैट इज वाई वी डू नॉट राइट एक्स, एक्स टू द पावर ज़ीरो वन, वाई टू द पावर ज़ीरो वन, ओके, तो लाइक दिस ओनली वी राइट कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल टू थ्री वाई नंबर्स वी डिफाइन, ओके, ओके, नाउ सेकेंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, एज यू कैन सी लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, व्हेन द पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री टू, सॉरी डिग्री वन, इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री वन, एज यू कैन सी एक्स, ओके, दिस इज द एक्स एंड इट इज हैविंग पावर वन, और जो वन पावर है वो दिखाई नहीं देती, ओके, वन पावर हम लगाते नहीं है, बट इट इज हैविंग पावर वन ऑलवेज व्हेन इट इज रिटन एक्स वाई, पावर जो होती है इसके ऊपर, ओके, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इफ द वेरिएबल इज हैविंग पावर वन, एक्सपोनेंट वन, ओके, इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, टू एक्स प्लस थ्री, हियर एक्स इज हैविंग वन पावर, सो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड, दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, इट इज हैविंग एक्स, इट इज हैविंग वाई, इट इज ऑल्सो हैविंग जेड, ओके, बट ऑल आर हैविंग पावर वन, ओके, तो सिंस ऑल आर हैविंग पावर वन, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज टू, ओके, ये देख रहे हो टू इसकी पावर है, ओके, पावर इसकी इकलौता मोनोमियल है, बट टू तो है ही ना अपने पास, इट इज हैविंग पावर टू, ओके, व्हेन द वेरिएबल एक्स इट इज हैविंग पावर टू, ओके, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एज यू कैन सी दिस एज एक्स इज हैविंग पावर टू एंड दिस एक्स इज हैविंग पावर वन, ओके, सो विच इज द ग्रेटर नंबर, टू इज द ग्रेटर नंबर, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, टू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावर टू, ओके, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज थ्री. फॉर एग्जांपल, सो दिस इज वेरिएबल एक्स एंड दिस इज हैविंग पावर थ्री दिस टाइम,
एक्स इज हैविंग पावर 3, ये छोटा सा देख रहे हो ना 3, सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो 3x³ प्लस 2, ओके यू कैन सी एक्स, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स, 3, सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. वन मोर एग्जाम्पल, 3y³ प्लस 2y² प्लस 5y, ओके दिस y इज हैविंग 3 पावर, दिस इज हैविंग 2 पावर एंड दिस y इज हैविंग 1 पावर, ओके ए पावर कैन नॉट बी सीन, इट इज 1, सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, 3 इज द मैक्सिमम नंबर, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो दिस इज वेरिएबल एक्स एंड दिस इज 4, ये 4 कहाँ पे आ गया, इसके ऊपर, इसकी पावर बन गया, ओके नाउ यू कैन डिफाइन, व्हेन द वेरिएबल इज हैविंग पावर 4, व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, इट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके सो आई एम गोइंग टू नोट डाउन वन एग्जांपल, 3x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, what is the maximum number, maximum power 4, 4 is the degree of this polynomial, so this is biquadratic polynomial. Next topic is n degree polynomial, okay n degree polynomial, let's define n degree polynomial, okay. So here is the definition, a polynomial of degree n is known as n degree. For example, anx⁴ plus an⁻¹x⁻¹ plus an⁻²x⁻², plus and so on, a²x⁻², a₁x⁻¹ plus a₀x⁻₀. It is known as n degree polynomial. Okay, where an₂, a₁, a₀. Okay, an₁, an₂, a₂, a₁, lastly a₀, okay, they are the coefficient of n degree polynomial. In this polynomial you can see an₁, an₁, x⁻¹ an₂, x⁻², a₂, x². So this is a polynomial, okay, it is having x variable and an₁, I have written over here, an₁, an₂, a₂, a₁, a₀, they are the coefficient of this polynomial of degree n. Next is 0 polynomial. If all the coefficient of a polynomial is equal to 0, okay.
So if all the coefficient of a polynomial is equal to 0, okay, it is known as zero polynomial. For example, Okay, suppose we have a monomial x square. Okay, what if 0 is the coefficient of x square? It has become zero polynomial. If we have y square as a polynomial, okay, monomial, and again 0 comes and it has become its neighbor, इसका कोफिशियंट बन जाता है. ओके, सो इट हैज बिकम जीरो पॉलिनोमियल. इफ वी हैव वाई, ओके, एंड अगेन जीरो इज द कोफिशियंट ऑफ वाई, इट हैज बिकम जीरो पॉलिनोमियल. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. दिस इज ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर. ओके ओके, एंड लेट्स गिव जीरो एज द कोफिशियंट. ओके, लेट्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज जीरो, एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो. एज यू कैन सी, इट इज ऑल्सो हैविंग कोफिशियंट जीरो. दिस टर्म इज ऑल्सो हैविंग कोफिशियंट जीरो. दिस टर्म इज ऑल्सो हैविंग कोफिशियंट जीरो. ऑल आर हैविंग कोफिशियंट जीरो. ओके, इफ एनी वेरिएबल एनी नंबर इट इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो जीरो सबको जीरो बना देता है. ओके, सो दिस इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल. ओके, इधर क्लियर टू यू?